वेलकम दोस्तों, यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए और एक वीडियो ले आए हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल में फैब्रिकेशन का सारे वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो है आप एक कैसे एक इंडस्ट्रियल होपार को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कागज़ के काट के रखा हो गत्ता के, ठीक है। तो ये इसके मैं बना के आपको दिखा दूंगी, ठीक है। उससे पहले आप एक बार इसका जो ड्राइंग है, जो मतलब उसका ड्राइंग कैसे दिया हुआ है, ठीक है, आप एक बार ड्राइंग को देख लीजिए। तो दोस्तों, आप जो दिख रहे हैं ये इसका ड्राइंग ऐसे था, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपको दोनों स्क्वायर दिखाएगा, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर, मतलब दोनों साइड में दोनों, मतलब आपको जो सेक्शन में काटा, ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन ए ए मतलब सेक्शन में काटा, तो इस साइड से आप जब देखोगे, मतलब आप इस साइड से देखोगे तो आपको ऐसे दिखने के मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे आ रहा है, आप आपको आपके सामने मैं पूरे होपार को तैयार कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मतलब आपको देखिए एस ड्रोन एंड अपोजिट है इसका, ठीक है। मतलब ये जो इस ऐसे दोनों चाहिए, ठीक है। तो एक एस ड्रोन होगा तो, और एक उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब दोस्तों एंड मिरर इमेज, मतलब इसको हम मिरर से देखोगे तो जैसे दिखेगा मतलब ऐसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले इसका जो इस साइड से आप देखोगे तो ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब इसका साइड से ऐसे रहेगा। तो देखिए, तो दोस्तों ऐसे है, ठीक है, मतलब दोनों स्क्वायर क्यों आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, दोनों स्क्वायर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, ये थोड़ा मुड़ कर रहेगा, ठीक है, मतलब देखिए थोड़ा साइड में, ये साइड में, ठीक है। तो इधर से इसे ऐसे दिखाएगा तो ये दोनों स्क्वायर भी दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों, ये एस ड्रॉन होगा तो इसका अपोजिट, मतलब देखिए इस साइड भी रेड कलर आ गया, तो दोस्तों इस साइड में भी इसके लगाने के बाद ये रेड कलर ही आ गया, ठीक है। तो मतलब इस ये सारे चीज़ को एक एक पैनल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, पैनल, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी दोस्तों चैनल और एंगल फिट कर फिट होगा, तो अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो टॉप है, तो टॉप से दोस्तों ऐसे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, टॉप भी ऐसे रहेगा। तो दोस्तों, ये एक होपर मतलब ऐसे आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये इधर से भी एक होल है, ये छोटा स्क्वायर, और इधर से दोस्तों बड़ा स्क्वायर, मतलब आपको जब इधर से दिखाएगा तो दोस्तों आपको इधर से दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों, आप ये इसके लिए आप दोनों स्क्वायर दिख रहा है, और दोस्तों इसके अंदर भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर, ठीक है, तो ड्राइंग के साथ मिला के दिख लिया। और दोस्तों, आपको जब इस साइड से दिखाएगा तो दोस्तों अब दिख रहा है ये एक होपार हो गया, मतलब नीचे में शुरू एक साइड से होला छोटा होल और एक साइड से बड़ा होल, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे होगा एक होपार, ठीक है। तो इसका जब आप इस साइड से देखोगी तो आप इसे देखोगी, मतलब ये इसको एक एक करके बोलता है, एक एक पैनल, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों चैनल या एंगल ऐसे करके फिट करके रखा था, ठीक है, मतलब ये एक शीट मेटल का होगा, और इसके ऊपर जो एंगल हो या चैनल हो फिट करके रखा, तो उसे इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए ऐसे करके रखा है। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो समझ गया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों ये वीडियो को भी लाइक करिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो आपको और भी मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, फैब्रिकेशन का जैसे काम होगा, मैं इस तरह गाते के काट करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।